और ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब मैं 1 टीस्पून मैदा डाला है और एक एक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें ऑयल डाला है। आप चाहो तो प्रॉन को डीप फ्राई भी कर सकते हो। आप प्रॉन को मैं फ्राई कर रही हूँ। दोनों तरफ बस हल्का लाल कलर आने तक तो आपको प्रॉन को फ्राई करनी है, क्योंकि प्रॉन ज़्यादा फ्राई होने से हार्ड हो जाती है। तो थोड़ी सी डिस्टेंस में ऐसे प्रॉन को फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाए तो दूसरी तरफ पलट देंगे और पलट के दूसरी तरफ भी प्रॉन को सेक लेंगे ऐसे। जब दोनों तरफ कलर आ जाए तो प्रॉन को उतार लेंगे। एक ही बार में सारे प्रॉन आपको फ्राई नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉन को फ्राई कर लीजिएगा। अब सारे प्रॉन फ्राई हो जाने के बाद मैंने पैन को नहीं धोया है, क्योंकि उसी पैन में प्रॉन के सारे फ्लेवर है। तो उसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल के अब मैंने बारीक सॉफ्ट किया हुआ लहसुन डाल दिया है 2 टीस्पून के करीब। लहसुन को हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली है, फिर येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और रेड बेल पेपर, और प्याज को बड़े पीसेस में काट के लहसुन के साथ भून लेंगे 2 मिनट तक। फिर उसके बाद मैंने काली मिर्च डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब, और नमक डाल देंगे। नमक आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि मैं उसके बाद सॉस भी यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। थोड़ी देर भून लेने के बाद 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे सब्जियों को। आपको सब्जियों को नरम नहीं करनी है, सब्जियों को क्रंची रखनी है। तो 1-2 मिनट के बाद 1 टीस्पून के करीब मैंने सोया सॉस डाल दी है, और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डाली है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब मैं थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है, मिक्स करके सब्जियों के ऊपर डाल देंगे और डाल के भून लेंगे। और जो प्रॉन फ्राई करके रखा था वो भी डाल के सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सार से 5 मिनट ऐसे आपको भून लेने के बाद मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है, वो डाल देंगे। मैंने 2 हरा प्याज लिया है, वो डाल दिया है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके गैस को ऑफ कर देंगे। तो तैयार है चिली प्रॉन। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।